आगामी लोकसभा चुनावों को देखते हुए देवभूमि उत्तराखंड के नौजवानों ने एक रचनात्मक पहल की शुरुआत की है। इस पहल का नाम है मोदी दगड़ उत्तराखंड अभियान, यानी मोदी के साथ उत्तराखंड। आज दिल्ली में इस अभियान का शुभारंभ राष्ट्रीय मीडिया प्रभारी अनिल बलूनी द्वारा उनके आवास पर किया गया। आपको बता दें कि इस अभियान के तहत युवा इस सफेद टी शर्ट जिस पर लिखा है मोदी दगड़ उत्तराखंड, ये पहन गाँव गाँव जाकर लोगों को मोदी सरकार की उपलब्धियों को बताएंगे, साथ ही साथ केंद्र की योजनाओं के लाभार्थियों से भी मिलेंगे। आपको हम बता दें कि मोदी दगड़ उत्तराखंड नाम से फेसबुक पेज भी बनाया गया है, जिसके माध्यम से युवा अभियान की गतिविधियों की वीडियो बनाकर फेसबुक पर भी शेयर किया करेंगे। वहीं आज इस मौके पर अनिल बलूनी के साथ भाजपा प्रदेश प्रवक्ता विपिन कैंथोला, भुवनेश कुकरेती, वत्सल कुमार, पीएन डिमरी, हरीश जोशी, कुलदीप कठेत, राजकुमार, वीरेंद्र पुंडीर, जसविंदर राणा आदि मौजूद रहे। वही अनिल बलूनी ने युवाओं के इस पहल की जानकारी खुद अपने एक्स हैंडल पर शेयर की, जिसमें उन्होंने लिखा कि देवभूमि उत्तराखंड के नौजवानों की एक रचनात्मक पहल मोदी दगड़ उत्तराखंड यानी मोदी के साथ उत्तराखंड अभियान का शुभारंभ किया। 2014 से अब तक भारत ने नित नई बुलंदियों को छुआ है। निश्चित ही आदरणीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी के तीसरे कार्यकाल में वैश्विक स्तर पर नए कीर्तिमान स्थापित होंगे। इस महाअभियान में उत्तराखंड भी महत्वपूर्ण सहभागी बनेगा। वही मोदी दगड़ उत्तराखंड कैंपेन के प्रमुख और राष्ट्रीय मीडिया टीम के सदस्य शेखर वर्मा ने बताया कि पूरे प्रदेश के प्रमुख शहरों और कस्बों में कैंपेन से जुड़े कार्यक्रम कराए जाएंगे और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी द्वारा उत्तराखंड के लिए कराए गए अभूतपूर्व विकास कार्यों की जनता के बीच चर्चा की जाएगी। साथ ही जिन लाभार्थियों को लाभ मिला है उनके विचारों को डिजिटल प्लेटफॉर्म से जनता के बीच ले जाने और विभिन्न विकास कार्यों के वीडियो बनाकर जनता को मुहिम से जोड़ने का कार्य होगा। साथ ही उन्होंने ये भी बताया कि प्रदेश की पांचों लोकसभा के बड़े शहरों में मार्च प्रथम पखवाड़े में पांच बड़े कार्यक्रम भी करवाए जाएंगे और वहां के युवाओं, सामाजिक कार्यकर्ताओं और जन सरकारों से जुड़े संगठनों और नागरिकों को भी इस अभियान से जोड़ा जाएगा और केंद्र सरकार के 10 सालों की सभी योजनाओं को घर घर तक पहुँचाया जाएगा। ब्यूरो रिपोर्ट उत्तराखंड तक।